पिछले एक चरण से एक अरसे से एबी डिविलियर्स नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपने कहा है नंबर 3 पर करनी चाहिए। इसका जैसे आपने कहा कि कारण यह है कि आप अपने बेहतरीन बल्लेबाज को नंबर 3 पर कराना चाहते हैं, लेकिन बैंगलोर की स्ट्रैटेजी हमने देखी है कि वो चाहते हैं कि मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स फिनिशिंग टच दे। आपके हिसाब से गलत स्ट्रैटेजी है ये? देखिए सही हो गलत नहीं होता क्रिकेट में, आपकी टीम को क्या जरूरत है। देखिए आपकी टीम जीतना जानती है और जीत के जो आपके कार्ड्स है ना वो आप ज्यादा नीचे मत रखिए, क्योंकि अगर नीचे आके वो पहले दूसरे बॉल पे आउट होते हैं मारने कोशिश में, पिछले मैच में मैक्सवेल भी जल्दी आउट हुए, एबीडी भी आउट हुए, कहाँ फिनिश करेंगे आप। जो करना है पहले से ही अटैक पहले से ही कीजिए, पहले से ही सामने वाली टीम को बैकफुट में डाल दीजिए, और जब तक एबीडी मैक्सवेल क्रीज पे रहते हैं ना जो ओपोनेंट टीम है ना उसे दिल धड़कते रहते हैं। तो आप केयर आप भगत को भेज रहे हैं, फिर बीच में सचिन बेबी को भेज रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है बेबी को थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं या फिर आप प्लेइंग 11 में चेंज कर सकते हैं, आपके बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है। आप सहमत हैं या आप नहीं मानते ऐसा कि एबी डिविलियर्स को ऊपर आना चाहिए या नीचे ही बल्लेबाजी करनी चाहिए, आपका क्या मत है? मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा पॉजिटिव तो ये हुआ कि अगर एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर टीम पे आए तो खड़े रहेंगे, तो ऐसे नहीं है कि अपनी विकेट गवा देंगे, फिनिश तक आप रिलाय कर सकते हो उन पर, वो अंत तक रहेंगे, तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा कि यार 5 पे गिना था 6 पे गिना था, क्योंकि आपके पास एबी डिविलियर्स है वहां पे। लेकिन सेम टाइम पे अगर उनकी विकेट कोई गिर गई, अगर कुछ बहुत ही बढ़िया बॉल आ गई, क्योंकि एबी डिविलियर्स को आउट करने के लिए बढ़िया बॉल हिल लगती है, अगर कुछ हो गया तो नीचे आपके पास इतने रिलायबल नेम्स नहीं है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा प्राइस था गया उनके ऊपर, बहुत बड़ी रेपुटेशन है उनके साथ, लेकिन क्या आप उन पे निर्भर रह सकते हैं फिनिश करने के लिए? शायद इतना ज्यादा नहीं, तो ये एक बार देख के पता लगेगा, पर हाँ शायद जितने जो लास्ट मैच में जहाँ आए थे वो बहुत ही नीचे हो गए मेरे हिसाब से।